अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। यज़दगर्द ने गुसीली आवाज में कहा, अरबी लश्कर हमारे सर पर पहुंच गया है। मुझे एहसास है शहनशाह, राहब ने कहा, मेरा जादू अरबी लश्कर को यहीं तबाह करेगा, इसे पसपाई की मोहलत ही नहीं मिलेगी। तो अब क्या लेने आए हो, यज़दगर्द ने कहा, क्या तुम खुद नहीं समझ सकते कि झूठी तसल्लियां मदाइन को नहीं बचा सकती। कभी तो मुझे शक होता है कि तुम यहूदी अपनी फितरत के ऐन मुताबिक मुझे धोखा दे रहे हो, जिससे तुम्हारा मकसद शायद ये है कि मुसलमान मदाइन पर काबिज हो जाएं और तुम मदाइन के खजानों से अपना हिस्सा वसूल करो। नहीं शहनशाह, बूढ़े राहिब ने कहा, मैं तसल्लियां देने नहीं आया, मैं सिर्फ एक हुक्म लेने आया हूँ। आखिरी चीज जो मुझे दरकार है वो एक नौजायदा बच्चा है जिसकी उम्र 3 दिन से ज्यादा ना हो। मैंने शहर में अपने मुखबिर छोड़े हुए थे, अभी अभी मुझे एक मुखबिर ने इत्तला दी है कि गुज़िश्ता रात एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया है। वो बच्चा हमें ले दें और 2 दिनों बाद आप मेरे जादू के असरात देख लेंगे। यज़दगर्द ने उसी वक्त हुक्म दिया कि जो बच्चा रात को पैदा हुआ है वो इस राहब को दे दिया जाए। अगर बच्चे के माँ बाप बच्चे की कीमत मांगे तो उससे ज्यादा कीमत देकर बच्चा ले जाया जाए, और अगर वो बच्चा किसी कीमत पर भी ना देना चाहें तो बच्चा उठा लिया जाए और इस राहब के सपुर्द कर दिया जाए। यज़दगर्द ने यह भी कहा कि बच्चे के माँ बाप मुजाहिमत करें तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। हुक्म मिलते ही यज़दगर्द के मुहाफिज दस्ते के 4 आदमी उस घर जा पहुंचे और बादशाह का हुक्म सुनाया। माँ ने लपक कर नौजायदा बच्चे को सीने से लगा लिया। माँ को बताया गया कि इस बच्चे की वो जितनी भी कीमत मांगेगी उससे ज्यादा कीमत दी जाएगी। नहीं, माँ ने बच्चे को सीने के साथ चिपकाते हुए कहा, यह मेरा पहला बच्चा है, आसमान के सितारे तोड़ लाओ तो भी मैं ये बच्चा नहीं दूंगी। मुहाफिजों ने बच्चे के बाप की तरफ देखा, बाप ने भी बच्चा देने से इनकार कर दिया और उसने मुहाफिजों के कदमों में बैठकर इल्तजा की कि वो उन पर ये जुल्म न करें, इनसे बच्चा छीन लो। मुहाफिजों के कमांडर ने हुक्म दिया, कमांडर के सिपाहियों ने बच्चा माँ के सीने से नोच लिया। माँ ने चंद ही घंटे पहले बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए वो अभी उठने के काबिल नहीं थी, फिर भी वो खड़ी हो गई थी, लेकिन सिपाही के धक्के से वो गिरी तो उठ ना सकी। उसके खाविंद ने उसे उठाया। इतनी देर में मुहाफिज सिपाही बच्चे को लेकर जा चुके थे। पीछे माँ की चीखें रह गई थीं। वो दरवाजे की तरफ दौड़ती थी। खाविंद उसे पकड़ता और रोक कर कहता था कि ये बादशाहों का हुक्म है जिसकी खिलाफ वर्जी की जरूरत कोई भी नहीं कर सकता। माँ चीखती चिल्लाती रह गई और बच्चे को यहूदी राहब ले गया। आधी रात का वक्त होगा जब दरिया के किनारे तालाबों वाली वीरान जगह पर यहूदी राहिब ने इस लड़की को 2 जानों बिठा रखा था। रोजमर्रा की तरह लड़की चोगे में मलबूज थी। इससे पहले वो लड़की को कुटिया के अंदर बिठाया करता था। उस रात उसने लड़की को कुटिया से बाहर एक कुदरती तालाब के करीब बिठाया और नौजायदा बच्चा उसकी गोद में दे दिया। राहब लड़की को अपने अमल से हेप्नाटाइज करके उससे कुछ पूछता था और लड़की जवाब देती थी। इन जवाबों के मुताबिक राहब कोई जादू तैयार कर रहा था। इसका आखिरी मरहला यह था कि नौजायदा बच्चे को इस लड़की की गोद में डालना था, जो उसने डाल दिया। फिर कुटिया में चला गया। बाहर आया तो उसके हाथ में एक छुरी थी। मालूम नहीं इस छुरी से उसने बच्चे को ज़िबा करना था या कहीं से उसका खून निकालना था या उसने लड़की की ही जान लेनी थी। छुरी देखकर लड़की की चीख निकल गई। डर मत लड़की, राहिब ने बड़े प्यार से कहा, इस छुरी से मत डर। तालाब बिल्कुल करीब था। यहूदी मालूम नहीं क्यों पीछे हटा। अचानक उसकी एक टांग एक शिकंजे में आ गई। लड़की एक बार फिर चीखी और उठकर कुटिया की तरफ दौड़ी। पीछे देखा तो उसे यहूदी राहिब पानी में हाथ मारता नजर आया। लड़की को साफ नजर आ रहा था कि एक मगरमच्छ ने यहूदी की टांग पकड़ ली थी और उसे घसीट कर तालाब में ले गया था। यहूदी के शोर शराबे पर उसका जवांसाल चेला कुटिया से दौड़ता तालाब के किनारे तक चला गया। वहां एक नहीं 2 मगरमच्छ थे। एक को तो शिकार मिल गया था और दूसरा उससे उसका शिकार छीनने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने बच्चे को जमीन पर रखा और इस जवांसाल चेले की तरफ दौड़ी और उसे पीछे से इतनी जोर से धक्का दिया कि वो पानी में जा पड़ा। दूसरे मगरमच्छ ने तेजी से आकर उसे अपने लंबे और खौफनाक जबड़ों में जकड़ लिया। फिर देखते ही देखते यहूदी राहिब और उसका चेला गायब हो गए। लड़की ने नौजायदा बच्चे को अपने चुगे में लपेटा और वहां से दौड़ पड़ी। शहर की दीवार दूर नहीं थी लेकिन शहर के दरवाजे बंद थे। उसने बाकी रात बंद दरवाजे के साथ बैठकर गुजार दी। सुबह जब यह दरवाजा खुला तो लड़की शहर में दाखिल हो गई और अपने घर जा पहुंची। लड़की का बाप डर गया कि ये शाही हुक्म से ले जाई गई थी और शायद वहां से भाग आई है और अभी सरकारी हरकारे आएंगे और लड़की को घसीट कर ले जाएंगे। उसने अपनी खैरियत इसी में समझी कि लड़की को शाही महल में ले जाए।
वो अपनी बेटी और नौजायदा बच्चे को साथ लेकर शाही महल में जा पहुंचा और दरबानों को बताया कि वो क्यों आया है। यज़दगर्द को इत्तला मिली तो उसने फौरन बुला लिया। उसके सामने जाकर लड़की ने उसे बताया कि यहूदी राहिब और उसके चेले का क्या अंजाम हुआ है। वो तुम्हारे साथ करता क्या था? यज़दगर्द ने लड़की से पूछा। क्या वो तुम पर कोई अमल किया करता था? नहीं शहनशाह, लड़की ने यह सोचकर कि वो दोनों यहूदी तो मगरमच्छों के पेट में चले गए हैं, झूठ बोला। वो दोनों मेरे साथ सिवाय बदकारी के और कुछ नहीं करते थे। मेरा ख्याल है कि इस नौजायदा बच्चे को वो सिर्फ इसलिए वहां ले गए थे कि आपको धोखा दिया जाए कि वाकई वो कोई जादू तैयार कर रहे हैं। हो सकता है कि वो बच्चे को पानी में फेंक देना चाहते हों, लेकिन कुदरत ने उल्टा उन्हें पानी में फेंक दिया और दोनों को मगरमच्छ खा गए। उस वक्त पुरान भी वहां मौजूद थी और यज़दगर्द की मां भी वहीं थी। ये बच्चा तुमने कहां से लिया था? यज़दगर्द की मां ने पूछा और बड़ी बेताबी से कहने लगी, ये जुल्म ना करो, किसी मां की आहें ना लो, मैं भी मां हूं। तुम बादशाह और जवान भी हो, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी जो बेताबी है उससे तुम भी तंग आए हुए हो। लेकिन मां की मजबूरी, ममता और तड़प को तुम नहीं समझते। यहूदियों के चक्कर से निकलो यज़दी, कुरान ने कहा। यह तो मैं भी जानती हूं कि यहूदी जादूगरी के माहिर हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि जादू की तैयारी में इतना लंबा अरसा नहीं लगा करता। जिस मां का ये बच्चा है उसको वापस कर दो। ममता की आंखों से डरो और उस हकीकत को देखो जो काली रात की तरह जमीन में बिजलियां लिए हुए हमारे सरों पर गहरी होती चली जा रही है। अपने आप को धोखे और फरेब में ना रखो। जहां तलवार और तीर चला करते हैं वहां जादू नहीं चला करते। क्या तुम अरबों की तेगजनी से वाकिफ नहीं? यज़दगर्द ने उसी वक्त मुहाफिज दस्ते के कमांडर को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि यह बच्चा जिससे छीना गया था उसी की गोद में डाल दिया जाए। कमांडर ने बच्चा लड़की से ले लिया। बच्चा भूख से बिलबिला रहा था। यज़दगर्द ने लड़की को उसके बाप के हवाले करके कहा कि उसे मां के पास ले जाओ। उस मां के घर का दरवाजा खटका जो अपने पहले नौजायदा बच्चे की जुदाई में चीख और चिल्ला रही थी और उसका खामिंद उसे बहलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। दरवाजा खोला तो वही कमांडर जो मां के सीने से बच्चे को नोच कर ले गया था अंदर आया। मां ने उसके हाथों में अपना बच्चा देखा तो वो उठकर बच्चे पर झपटी और बच्चा उसके हाथों से लेकर अपने सीने से लगा लिया। शहनशाह ने बच्चा वापस दे दिया है, कमांडर ने कहा और बाहर निकल गया। माओं की छातियों से बच्चे नोचने वाले बादशाह की बादशाही ज्यादा दिन नहीं रहेगी। ये एक आह थी या एक फरियाद थी जो उस औरत के मुंह से निकली। यहां जितने यहूदी हैं उन्हें कैद खाने में फेंक दिया जाए, यज़दगर्द ने हुक्म दिया। मदाइन में चंद एक ही यहूदी थे जो तीन चार मकानों में रहते थे। एक कुशादा मकान के एक हिस्से में उन्होंने इबादतगाह बना रखी थी। गुज़िश्ता रात वो सब इकट्ठे बैठे उस बूढ़े यहूदी के मुतालिक बातें कर रहे थे जो लड़की और नौजायदा बच्चे को दरिया के किनारे ले गया था। उस बूढ़े का नाम शमून जिब्रील और उसके साथी का नाम अबू अजमीर था। इस महफिल में सबसे ज्यादा उम्र वाला एक यहूदी राहिब था। लेकिन शमून मुझे कामयाब होता नजर नहीं आ रहा, यहूदी राहिब कह रहा था। आखिर मैं भी कुछ जानता हूं। मैंने खबरदार कर दिया था कि तुम जो अमल कर रहे हो इसमें खतरा यह है कि उलट भी जाया करता है। तुम एक कमारी लड़की और एक नौजायदा बच्चे की जान ले रहे हो। अगर तुम्हारी अपनी जान चली गई तो मैं हैरान नहीं हूंगा। वो मेरी बात सुनकर इस तरह हंस पड़ा था जैसे मैं कम अक्ल और नादान हूं या बच्चा हूं। रब्बी शमून के साथ मेरी भी बात हुई थी, एक और यहूदी बोला। उसने कहा था कि हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाए नील का पानी रोक लिया और अपने कबीले को उससे गुजार कर लाए थे। फिरौन का लश्कर जो उनके ताकुब में आ रहा था नील में डूब गया था। मैंने अपने अमल के लिए दजला के किनारे का इंतखाब किया है। यज़दगर्द की फौज कश्तियों और पुल के जरिए मदाइन में आ जाएगी और मुसलमान उनके ताकुब में दजला पार करने लगेंगे तो उनका सारा लश्कर डूब जाएगा, उनमें से कोई एक भी नहीं बचेगा। अगर ये बात वो मुझसे करता तो मैं उसे समझाता, राहिब ने कहा। वो खुदा का हुक्म था कि मूसा अलैहिस्सलाम निकल जाएं और फिरौन और उसका लश्कर डूब जाए। यहां कौन मूसा है, फिरौन कौन है? हम अगर मुसलमानों के दुश्मन हैं तो मुसलमान फिरौन तो नहीं हो जाते? फिरौनों वाले औसाफ तो इन आतिश परस्तों में हैं। इनके बादशाहों का हुक्म है कि जो कोई दरबार में आए पहले सजदा करे। मुसलमान खुदा के सिवा किसी के आगे सजदा नहीं करते, ना ही ये बादशाहत को मानते हैं। हम मुसलमानों को तबाह बर्बाद करके इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहने से वो कुव्वत कमजोर तो नहीं हो जाती जो मुसलमानों को फतह पे फतह देती चली आ रही है? ये कुव्वत क्या है, एक यहूदी ने पूछा। मालूम हो जाए तो हम इसे कमजोर कर सकते हैं। ये अकीदे की कुव्वत है, मुअम्मर रब्बी ने कहा, और ये यकीन की कुव्वत है। खुदा पर यकीन, अपनी जात पर यकीन। अपनी जात पर सिर्फ उस शख्स को यकीन हो सकता है जिसका किरदार शहर के सितारे की तरह रोशन और शफाफ होता है। इस यकीन और इस किरदार को मुसलमान ईमान कहते हैं। हमारे पास जो लड़कियां हैं उनके हुस्न और उनके अंदाज में तलिस्माती असर है।
हमारी हर लड़की बादशाही का तख्ता उलट सकती है, मगर यही लड़की मामूली से एक मुसलमान का दिल नहीं मोड़ सकती, क्योंकि मुसलमानों पर कोई और ही तलिस्मदारी है। क्या बात है रब्बी, एक यहूदी ने कहा, क्या आप मुसलमानों की हिमायत में नहीं बोल रहे? मुसलमानों के हक में नहीं, रब्बी ने कहा, मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूं, और मेरे दोस्तों, मैं कुछ और भी महसूस कर रहा हूं। मुसलमान जिस्मानी ताकत के जोर पर यहां तक नहीं पहुंचे। सोचो और करो, हम इस्लाम को नहीं मानते, फिर हमें मानना पड़ता है कि मुसलमानों के पास जादू है, और वो हमारे जादू से ज्यादा ताकतवर और तेज है। हमने क्या क्या जतन नहीं किया, मुसलमानों की पेशकदमी को हम रोक नहीं सके, शायद रोक भी नहीं सकेंगे। रबी शमून ने मेरी बात नहीं मानी, मुझे खतरा नजर आ रहा है। क्या आप यजगर्द और उसकी फौज से मायूस हो चुके हैं? क्या तुम देख नहीं रहे? राहब ने कहा, हमें यजगर्द के साथ कोई दिलचस्पी नहीं, हमारा मकसद मुसलमानों को शिकस्त दिलाना है। मैं कह रहा हूं कि शमून ने बड़ा ही खतरनाक रास्ता इख्तियार किया है, क्या आप उन्हें रोक नहीं सकते? रोक सकता हूं, बूढ़े राहिब ने जवाब दिया, लेकिन वो अपना अमल मुकम्मल करने पर मजबूर हो गया है। उसने शाह फारस यजगर्द को यकीन दिलाया है कि जो जादू वो तैयार कर रहा है, ये मुसलमानों को तबाह कर देगा। यजगर्द बेसब्री से इंतजार कर रहा है, अगर जादू ने काम न किया तो यजगर्द शमून को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अचानक सब यकजबान हो गए और इस बूढ़े राहब से कहा कि रब्बी, शमून कोई अनाड़ी नहीं, और उसने खतरा मोल लिया है तो सोच समझ कर लिया है। इन यहूदियों की महफिल अभी बर्खास्त नहीं हुई थी कि दजला के किनारे दलदली इलाके में शमून और उसका साथी अबू अजमीर मगरमच्छों के पेटों में जा चुके थे। उसने जो खतरा सोच समझ कर मोल लिया था वो अपना काम कर गया था। दूसरे दिन इन यहूदियों के घरों के दरवाजों पर बयक वक्त दस्तक हुई। दरवाजे खुले तो शाही मुहाफिज अंदर चले गए। उन्होंने हर घर के हर फर्द को पकड़ लिया और बाहर ले आए। उनमें बड़ी उम्र की औरतें सिर्फ दो ही थीं और दो जवां साल लड़कियां थीं जिनका हुस्न बेमिसाल था। इन तमाम यहूदियों को कैदखाने की तरफ ले गए। हमारा जुर्म क्या है, रास्ते में यहूदी मुहाफिजों से पूछते थे। इस सवाल के जवाब में उन्हें धकेलते हुए ले जाया जा रहा था। ठहर जाओ, मुहाफिजों के कमांडर ने रुकते हुए कहा, हम लोग शहनशाह फारस के काम की चीजें भी कैदखाने में ले जा रहे हैं। उन दोनों लड़कियों को महल में भेज दो, अगर शहनशाह हुक्म दें कि उन्हें कैदखाने में डाल दो तो फिर इन्हें इधर ले आना। कमांडर ने दो मुहाफिजों से कहा कि वो इन दोनों लड़कियों को महल में ले जाएं और शहनशाह से पूछें कि उनके मुतालिक क्या हुक्म है। मुहाफिजों ने लड़कियों को अलग किया तो उन्होंने कोई नुमाया तौर पर मुजाहमत न की, अलबत्ता अपनी जुबान में अपने आदमियों के साथ कोई बात की। इन आदमियों में जो सबसे ज्यादा बूढ़ा था उसने लड़कियों से कुछ कहा। कमांडर ने उन्हें डांट कर कहा कि वो इन आदमियों से अलग हो जाएं। यजगर बड़ी ही बेचैनी और इस्तराब में अपने कमरे में टहल रहा था। उसकी माँ और पुरान उसके कमरे में मौजूद थी। इन यहूदियों को कैदखाने में बंद कर दोगे तो क्या हासिल होगा, पुरान ने कहा, यही यहूदी फरेबकार और अय्यार हैं। यजगर्द ने रुककर और फर्श पर जोर से पांव मारकर कहा, इस बूढ़े ने हमें धोखा दिया है, मैं इन्हें कैदखाने में भूखा और प्यासा रखकर मारूंगा। एक बात कहूं यजदी, पुरान ने कहा, यह धोखा उस बूढ़े यहूदी ने हमें नहीं दिया, यह हमारा अपना कसूर है कि हम अपने आप को खुद ही धोखा दे रहे हैं। तुम अपने आप को धोखा देकर मुतमईन हो सकते हो, लेकिन यजदी, हकीकत को तुम अपनी ख्वाहिशात और अपने ख्यालों के सांचे में नहीं डाल सकते। होश में आओ यजदी, हकीकत का सामना करो। मुसलमान बहर शेर तक पहुंच चुके हैं और उन्होंने इस शहर का मुहासरा कर लिया है। अगर हम ये शहर दे बैठे तो समझो मदाइन भी गया और फिर सब कुछ गया। अब मेरी बात सुन यजदी बेटा, यजगर्द की माँ नौरीन ने कहा, मैं अब तक एक माँ बनी रही हूँ और मुझे यही गम खाता रहा है कि मेरा बेटा मेरी आगोश से छिनकर मौत की आगोश में ना चला जाए, लेकिन अब जबकि मुसलमान मदाइन के दरवाजे पर आ पहुंचे हैं, मुझ में ये जज्बा बेदार हो गया है कि तू जैसे 100 बेटे होते तो मैं उन सबको फारस की इज्जत और अजमत पर कुर्बान कर देती। दिल को मजबूत कर मेरे बेटे, ये तेरे बाप की सल्तनत है और तू ही इसका रखवाला है। ये मेरे खाविंद की सल्तनत है, इसकी आन पर मैं भी लड़ूंगी, और इस जादू के धोखे से निकल। ये एक इंसानी कमजोरी है यजदी, पुरान ने कहा, हालात बाज़ोकात ऐसी करवट बदल लेते हैं कि इंसान बेबस हो जाता है और वो घबरा कर जादू और इस किस्म के टोटकों का सहारा लेने लगता है। मैं तस्लीम करती हूँ कि हम लोग इल्म नजूम और ज्योतिष वगैरह के ज्यादा ही कायल हैं। रुस्तम ने हमारे इस अकीदे को कुछ ज्यादा ही पुख्ता कर दिया था। वो खुद जायचे बनाता रहता था। सबसे पहले उसने कहा था कि सितारों की गर्दिश सल्तनत फारस के खिलाफ जा रही है और सितारे सल्तनत फारस के जवाल की खबरें देते हैं। उसने हिमाकत ये की कि उसकी ये पेशगोई सारी फौज में फैल गई, जिससे फौज में बदली पैदा हो गई। अब तुमने फिर यहूदियों के जादू का सहारा ले लिया है और तुमने देख लिया है कि उस जादू ने जादूगर की ही जान ले ली है।
मुझे कुछ बताओ, यजगर्द ने हारे हुए लहजे में कहा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, फौज बिखर गई है। बोहरशेर को मजबूत करो, यजगर्द की मां ने कहा। वो तो हम पहले ही कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि इस शहर को इतना ज्यादा मजबूत कर दो कि मुसलमान इसको मुहासरे में ही लिए बैठे रहें और फिर तंग आकर चले जाएं। उन पर अकब से हमला करवाया जा सकता है, कुरान ने कहा। हमला कौन करेगा, यजगर्द ने पूछा और खुद ही जवाब दिया। बाहर हमारी फौज मौजूद है, लेकिन वो फौज नहीं, वो बिखरे हुए, डरे हुए और पनाहें ढूंढते हुए फौजी हैं। उनके साथ कोई जर्नैल नहीं। क्या हम लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, यजगर्द की मां ने पूछा। नहीं मां, नहीं, यजगर्द ने झंझला कर कहा। मुझे जासूस बाहर के हालात बता गए हैं। मुसलमानों ने इस इलाके के तमाम लोगों को पकड़कर अपनी हिरासत में रख लिया था। हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा यह हुआ कि इस इलाके के तमाम अमीर और जागीरदार मुसलमानों से मिल गए हैं। उन्होंने अपने इलाके के लोगों को मुसलमानों की हिरासत से रिहा करा लिया है, और न सिर्फ ये कि मुसलमानों की अतात कबूल कर ली है, बल्कि उन्हें हर तरह की मदद और इमदाद दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि हमारे उन उमरा ने मुसलमानों की पेशकदमी को इस तरह आसान बना दिया है कि उनके रास्तों में जो खड्ड और नदी नाले आते थे, उन पर पुल बना दिए हैं। उन लोगों को जागीरें मेरे आबाओ अजदाद ने दी थीं। आज उन्हीं जागीरों से मुसलमानों के हाथ मजबूत किए जा रहे हैं। अगर शहरजाद और बुस्ताम मेरे हाथ चढ़ गए, तो मैं उन्हें जमीन में आधा काटकर उन पर खूनखार कुत्ते छोड़ दूंगा। वो बहुत बात की बात है बेटा, नौरीन ने कहा। इस वक्त मदाइन को बचाने की बात करो, हकीकत की बात करो यजदी, कुरान ने कहा। हालात को देखो, ये तुमने अच्छा किया है कि बोहरशेर के साहिल से तमाम कश्तियां मदाइन के साहिल पर ले आने का हुक्म दे दिया था। सिर्फ एक पुल है, ये पुल मुसलमानों के काम नहीं आ सकता, क्योंकि ये मदाइन के वस्त से बोहरशेर के वस्त तक जाता है। इस पुल से मुसलमान सिर्फ इस सूरत में गुजर सकते हैं कि वो बोहरशेर पर कब्जा कर लें, लेकिन बोहरशेर में मजीद फौज भेज देते हैं। तीर और फेंकने वाली बर्शियां ज्यादा भेजो, नौरीन ने कहा। इतनी ज्यादा कि मुसलमान शहर की दीवार के करीब आए तो उन पर तीरों और बर्शियों का मी बरस पड़े। मैंने सुना है कि मुसलमानों के पास मिंजनेखे भी हैं, यजगर्द ने कहा। यह एक ऐसा हथियार है जो हमारे पास नहीं है, ना इसका हमारे पास कोई तोड़ है। एक बात कहूं यजदी, कुरान ने कहा, मुसलमानों के पास एक और हथियार भी है जो हमारे पास नहीं। वो कौन सा, जज्बा, कुरान ने कहा। हम मुसलमानों को डाकू, कज्जाक, राहजन और जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन उनमें लड़ने का जज्बा और फतह हासिल करने का जो अज़्म है, वो इतना मजबूत है कि उसे हमारे हाथी भी नहीं तोड़ सके। हमारी फौज इस जज्बे और इस अज़्म से महरूम है। मुझे मालूम हुआ है कि मुसलमान इस लड़ाई को इबादत समझते हैं, लेकिन अब वक्त नहीं कि हम फौज में यह जज्बा पैदा करें। आह, यजगर्द ने मुंह छत की तरफ करके आह भरी और कहा, मैं आज अपने आबाओ अजदाद को कोसता हूं कि उन्होंने फौज में जज्बा पैदा करने की बजाय लालच पैदा किया, वफादारियों की कीमत अदा की, जागीरें तकसीम की, फिर फौज में यह सूरत हाल पैदा कर दी कि जो बहादुरी से लड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। हमारे आबाओ अजदाद ने दरबारी और खुशामदी पैदा की, और हम और दिरहम और दीनार की और जरो जवाहरात की थैलियां तकसीम की। इसका नतीजा देख लो कि चंद हजार मुसलमानों ने हमारी 120,000 नफरी की फौज को इस तरह खून में नहला दिया है और इस तरह बखेर दिया है जिस तरह आंधी खसोखाशाक को उड़ाकर कहीं से कहीं पहुंचा देती है। हमारे अपने दरबारी और खुशामदी जर्नैलों और उमरा ने और जागीरदारों ने देखा कि अजम का परचम गिर रहा है, तो वो सब अरब के परचम के तले जमा हो गए और उनके सिपा सालारों के आगे सजदे कर रहे हैं। मैं तन्हा रह गया हूं, बेबस और मजबूर हो गया हूं। सोचता हूं कि मैं इस तूफान को रोक भी सकूंगा या नहीं। हां यजदी, पुरान ने कहा, हम इस तूफान को रोक लेंगे। वो यजदगढ़ का खास कमरा था। यहूदियों की दो लड़कियां इस कमरे में बैठी हुई आपस में बातें कर रही थीं। उन्हें तो ये मालूम था कि उनके साथ क्या सलूक होगा। उन्होंने तय कर लिया कि वो यजदगर्द के साथ क्या बातें करेंगी। हमने इस बादशाह से इंतकाम लेना है, एक लड़की ने दूसरी से कहा। इसने हमारे मजहबी पेशवा की तोहीन की है और हमारे बुजुर्गों को और सब लोगों को कैद में डाल दिया है। लेकिन किस जुर्म में, दूसरी लड़की ने कहा। रब्बी शमून और अबू अजमीर तो उनके लिए कोई अमल कर रहे थे। मालूम हो जाएगा, पहली लड़की ने कहा। इतने में यजदगर्द कमरे में दाखिल हुआ। दोनों लड़कियां उठी और फर्श पर घुटने टेक कर झुक गईं। उठो, यजदगर्द ने कहा, ऊपर होकर बैठ जाओ। तुम दोनों यहूदी नस्ल के हीरे हो, मैं तुम्हारे हुस्न की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हारे मजहबी पेशवाओं ने मुझे जो धोखा दिया है, उसने मेरे दिल में यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा कर दी है। हम खुशनसीब हैं कि आपके दरबार तक हमें रसाई मिली है, एक लड़की ने जेर लब तबस्सुम से कहा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगेबान।